तो <laughs> आप देख रहे हो डेली मुमता डिजिटल और मैं हूँ आपका मेजबान शेराज से नाजरीन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शेरोज ताहिर साहब और जो कि वन वन ट्वेंटी प्लस पर्सनालिटीज़ की मिमिक्री करते हैं तो शेरोज साहब हमारे साथ स्टूडियो में आज फैसल जावेद भी है क्या कहेंगे खान साहब को अंदर कर दिया आप किधर गए हुए <coughs> हाँ जी बहुत शुक्रिया आपका इंतजार की घड़ियां अब हतम पाकिस्तान की आन है आप पाकिस्तान की जान है आप इमरान खान है आप अब तो अटक जेल वालों की जान है सही है तो अच्छा शेख रशीद साहब ये बताइएगा आप है किधर आजकल नजर नहीं आ रही <laughs> जनाब मैं बलावल के पास छिपा हो और बलावल को वजारत खारजा से फारग कर दिया है मुझे पहले फ़ारग कर दिया गया था लेकिन बलावल और मैं मिलकर आप इलेक्शन लड़ेंगे और मैं बलावल की पार्टी में नहीं बल्कि बलावल की मिनिस्ट्री में जाने के लिए तैयार हूँ अच्छा अच्छा शहबाज शरीफ साहब आपकी हुकूमत ख़त्म हो गई आपने जब भी बाहर का दौरा किया लोगों को आम ही देते ये क्या उसकी वजह की है मशहूरी करवाना चाह रही मैं अल्लाह ताला के फोलोग्राफी से पूरी पूरी कौम को पता कि पूरी कौम ने जो कुर्बानी दी देखिए मैं आपको पता कि आम के जो बु हमने दरख्त लगाए और जवान को भी हमने आम दिए फिर मुझे वो ट्रांसलेटर ने कहा तुर्कश की कि आपने इनको आम नहीं कहना क्योंकि तुर्की में आम गाली को कहते हैं अच्छा। तो गुस्सा करके तो अल्लाह ताली के फोलो से अगर मैंने इंशाल्लाह शाह अगले इंतबात में जरदारी साहब को चौन से आम ना चुसवाए तो मेरा नंबर सही जरदारी साहब आप इसके ऊपर क्या कहेंगे शहबाज शरीफ आपको क्या कुछ बातें कर <laughs> देखिए बिलावल शाह आपको पता है शहबाज शरीफ साहब ये हमें घसीटने की बात करते थे लेकिन हम इनको इंशाल्लाह शारग करेंगे और इनको पहले भी फारग कर चुके हैं <laughs> <laughs> सही है अच्छा पीडीएम uh, डी के सरबरा मौलाना साहब uh. uh, पेट्रोल एक सौ साठ रुपए की कीमत पे आपने इतना शोर मचाया था अब तीन सौ प्लस होने uh. जा रहे हैं कुछ अरसे में बहुत बहुत शुक्रिया uh. पकत्तर तो का आर के तनाज़ुम तो मैं काकड़ साहब का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे लग रहा हज़ार हज़ार कश्मीर का मेरे का चावल लगा दिया जाए तो पेट्रोल अगर खाओ देखें डीजल का तबादा खबर है पेट्रोल तो बात है तो इन शाह तकहत्तर का आर का में खाला ठीक हो जाए <laughs> सही है आ, तो अच्छा चलिए बिलावल साहब आप बताइएगा फ़ॉरन मिनिस्टर आप बड़े दवा बड़ा पैसा आपने लगाया बाहर के दवा बहुत शुक्रिया अच्छा शराज आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमने और हिना रबानी ने मेहनत करके पाकिस्तान को से निकाला ठीक है अच्छा शहरोज साहब ये बताइएगा आपके बारे में भी कुछ बात करेंगे अच्छा आपने लाइफ जो है इस्लामाबाद इधर से आपने स्टार्टिंग की है आप जाते हैं कराची लाहौर तो वजह क्या है देखिए डिजिटल मीडिया एक ऐसी चीज़ है और मेहनत सबसे बढ़कर होती है और लोगों की जो ऑडियंस देखती है वो कहती है कि मज़े हैं आपके देखिए ये लोग ये नहीं देखते हैं कि इन मज़ों के पीछे भी, भी बहुत सी चीज़ें का आ, मेहनत होती है छुपी हुई बहुत सी चीज़ें होती हैं तो ये है कि कराची के ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया यहाँ मैं डिजिटल मीडिया पार्क अफेयर्स जो अपना सेट हमने स्टार्ट किया था वहाँ से मैं एज़ आ रिपोर्टर ले आया था उससे पहले मैंने एज ए न्यूज़ कास्टर अपना शुरू किया था और मैं ख़बरें पढ़ने के लिए आया था इस फील्ड में लेकिन जब मुझे पता चला कि अल्लाह ताला ने एक टैलेंट दिया है तो उसको मैंने सीरियस तौर पे लिया और बड़े लोगों ने अच्छी और गाइडलाइन दी रहनुमायत ताकि की तो फिर डिजिटल पे आए और डिजिटल पे क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप नई नई फील्ड में आते हैं आपको जो मौके होते हैं ना वो तो वड़ी मुश्किल से मिलते हैं सही है। लोग सीरियस नहीं लेते आपके टैलेंट को सीरियस नहीं लेते तो जब हम डिजिटल पे आए डिजिटल पे जब मिमिक्री करना शुरू की दो तीन वीडियोज़ वायरल हुई तो उसके बाद फिर मैं लाहौर अलहमदिल्ला चला गया लाहौर में फिर मैं लाहौर से फिर कराची की तरफ मूव भी किया कराची की इंडस्ट्री ने बहुत सपोर्ट किया जहाँ तक कि सर इस्लामाबाद की बात है इस्लामाबाद की जो मार्किट है सर यहाँ क्रिएटिव लोगों की बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ मसला है कि बाबे वो इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली साहब बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि बाे तो कोई शायद कोई नहीं तो यहाँ भी वही साहब है कि बाबे यहाँ जो क्रिएटिव लोग हैं ना उनसे वो जान जाती है बबों की बा साफ़ी हो गए बाबे प्रोड्यूसर हो गए जो भी है यहाँ पे तो जो हमारे यहाँ क्रिएटिव लोग हैं क्रिएटिव से मुराद अब मैं खास तौर पर नाम लूंगा जबरान साहब है हमारे बहुत अच्छे एजेंसी चला रहे हैं प्रोड्यूसर हैं उन्होंने चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया चीजेज एक फूड ब्रांड है पाकिस्तान का उसके दो कमर्शल्स किए और उस पर एक शेख रशीद वाला जो आइडिया था उनका वो बहुत ज्यादा बिका बिकने से लोगों ने बहुत पसंद किया यानी कि जो ट्रेंड आता है पाकिस्तान में लोग ट्रेंड को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं उसके मुताबिक कमर्शल्स वगैरह बनाते हैं तो यहां पर मैंने बहुत जगह ट्राई किया कि यार मुझे एक अपॉर्चुनिटी दीजिए मेरे पास ये टैलेंट है तो मुझे क्या कहा गया कि हम तुम्हारे अकेले के लिए पूरा सेट लगाएंगे तो उस अकेले ना चीज से बंदे को अल्लाह तौल ने इतना नवाजा है और ये वालदेन की दुआएं और मेरा कोई कमाल नहीं है वालदन की दुआएं दुआएँ इसम की दुआएं और लाहौर की मार्केट ने इतना सपोर्ट किया डिस्कवर पाकिस्तान एक्सप्रेक्स न्यूज़ सोनो टी आपका दूसरा समा हो गया फिर पी न्यूज़ इन सब तमाम चैनल्स ने इतना साथ दिया इतना सपोर्ट किया वहाँ के एंकर्स ने प्रॉपर वे में फिर उमैर बशीर साहब हमारे बड़े अच्छे एक एंकर हैं सवा न्यूज़ पे जिसने उन्होंने ज्वाइनिंग दी है तो मैंने इनसे एक बार कहा कि मुझे सर आपसे मुलाकात करनी है रहनुमाई लेनी है

मतलब ये आपने ये बाई बर्थ इस तरह है या कुछ सीख देखे देखें पैदायशी पैदायशी तो देखें यह होता नहीं है ये बेसिकली क्लास सेवन में मैं था तो वो एक मैनेजमेंट साइंस में पढ़ाया जाता है किन ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ाया जाता है तो वो उस पर काफ़ी मेरा ना माइंड बहुत ज्यादा डावर्ट होता है कि मैं चीज़ों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेता हूँ और कोई भी मेक्रिया आर्टिस्ट होता की कहते हैं किन ऑब्जर्वेशन बहुत तेज़ होती है दिमाग से okay. वो जल्दी इस वॉइस को पिच करता पकड़ता है तो बस वहाँ से मुझे बस हुआ और मैंने शुरू कर दिया फिर मैं जर्नलिस्ट पर आ गया अब लोग अक्सर क्या करते हैं इंडिया के उठा लिये जी अमिताभ बच्चन की मेमिक्री शाहरुख खान की मैंने सोचा मैं कुछ डिफरेंट करूँ क्योंकि मैं अली मीर साहब को फॉलो कर रहा था तो उसमें रऊफ कलासरा साहब हमद मीर साहब आमिर ज्याज साहब हो गए हारून रशीद साहब हो गए ठीक है सलीम साफ़ी साहब हो गए तो इन जर्नलिस्ट की मिमिक्री करना शुरू की फिर इंडिया में दो तीन दो करेक्टर किए किए इंडिया के अपना सिद्धू पाजी का नरेंद्र मोदी का फिर इंडिया के लिए भी कमर्शियल का प्रोजेक्ट किया बाद। चलो सही है अभी हम स्टूडियो में हम बुलाएंगे हामिद मीर को मीर साहब आपके स्ट्रगल काफी ज़्यादा है साफ़त कर रहे हैं क्या कहेंगे हायला आपने आज मुझे बुलाया देखें मेरे साथ मौजूद हैं शराज और शराज एक ऐसे साफी जो मैं आ, मैं इनको जभी डालूंगा <laughs> <सही है। laughs> तो साहब हमारे बड़े अच्छे सराकी हैं

उनके गले में ऐसा क्या है बड़ी बार हमने ट्राई किया सही तो खुद ही वो टोन जोर जो लगाना पड़ता है, बहुत है। अच्छा मोदी साहब बताइएगा हाँ। जब भी इलेक्शन इंडिया में आते हैं आप पाकिस्तान के खिलाफ बातें करना हाँ। शुरू करना मेरे मित्रों मैं आपका बड़ा धन्यवाद आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पाकिस्तान की जहाँ तक बात है तो मैं यही कहूंगा कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है ठीक है हाँ। तो अच्छा आपकी कंट्री में हमारे बिलावल साहब भी आ गए थे हाँ। तो उनकी कोई खातिरदारी आप लोगों ने उसमें सिद्धू पा कर कर देंगे वो बड़ा मजेगा करते हैं और गुरु खोला शुरू <laughs> शराब सारी लड़की होती मुझसे बरस शराब <laughs> सारी <laughs> लड़की होती मुझसे बरस है 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 मेरा का ड्रेस और <laughs> <laughs> सही है, सही है। कपिल शर्मा की करते हैं आप कपिल शर्मा के नहीं शो में परफॉर्म किया जाए की मौका मिला भी अच्छा, उस पे आपका क्या कहते हैं सलीम आमिर साहब जो है माने बड़े अच्छे हैं कोई सवाल करना है आमिर से तो उसमें जो आपको देता अच्छा मौजूदा सियासत को किस नजर से देख रहे हैं अभी जो सेटअप भी देखिये देखिए बात हुई है कि जहाँ तक मामला चल रहे और पूरा जो सिस्टम चल रहा है निगरान लेकिन मुझे लगता है कि पेट्रोल और महंगा हो जाएगा और मैं, मैं साइकिल पे आ जाऊँगा <laughs> सही और कौन कौन से आपका सरफराज बहुत अच्छा करेक्टर है सरफराज अहमद का

लेकिन जहाँ तक क्लास है मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादा हुई है ये भी बहुत बड़ा रिजीम, चेंज, आपकी चिड़िया किधर <की> गई <laughs> चिड़िया <दो> <laughs> अच्छा तो सियासतदानों में और किन किन सियासतदानों में बेशुमार है सर वो जो है आपका अल्ताव हुसेन। अल्ताव हुसेन भी हैं उनकी आप किधर गायब है लंदन में मेरे तो। एक <laughs> <laughs> चलो काफी मजा आ रहा है स्पोर्ट्समैन में, में किन के शाही शायद <laughs> के? नहीं सरफराज हो गए रमीज राजा हो गए आपका अच्छा सरफराज साहब आपसे अच्छा विकेट कीपर मुझे लगता है रेजवान है देखे देखे रिजवान का देखे ज्यादा तलु है तो रिजवान होगा आपके लिए होगा मैंने तो कुछ नहीं है देखे चैंपियन ट्रॉफी आपको क्रिकेट का वर्ल्ड कप क्वालिफाई दो हजार तो देखे बाबा पूछ ले <laughs> बाबा के करते। नहीं, बाबा आजम तीन चारेटर खेल है मेरे पास एक लिस्ट होती है उसमें सारे नाम लिखे हुए होते हैं ठीक है कुछ करेक्टर काफी मुश्किल भी लग जाते हैं नवाज शरीफ साहब हो गए तो काफी पहले तैयारी करनी पड़ती है, करने है। अच्छा। तो आसानी के साथ मतलब वॉइस पिच हो जाती है तो शुक्र है अल्लाह का जी साहब पे मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह किया काम तो इजी सर के बाद पीटी साहब अल्लाह ताला 그리 के रहमत करे कोई मजाक नहीं हो रहा ये ट्रिब्यूट है इजी साहब को मेरी जिंदगी का पूरा मकसद था इंसानियत की خدمت के जो मोइनक साहब को तो चेक कर उनका करक्टर ठीक है उनका भी करें

उनका कहता है कि जहां तक वोटो साहब का ताल्लुक है तो हमारे जो है तो मुझे पार्टी से बहुत फारक कर को तो जेल भिजवा दिया देखिए मेरे मुल्तानियों हमारी जो सियासत है वो बिल्कुल अलग है इमरान का तर्ज अमल अलग है हमारा अलग है सही है तो बस ये काम है मेरा के हम करते हैं जहाँ तक आपने इस्लामाबाद की बात की आपने सवाल किया तो यही मैं कहना चाहूँगा कि देखें डिजिटल पे आ जाएं जो हमारे अक्सर भाई शिकवा करते हैं हमें मौका नहीं मिलता भाई आप डिजिटल मीडिया पे आएँ डिजिटल मीडिया पे काम करना शुरू कर दें तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते ख़ुद बनाए ठीक है दूसरा मैं एक वाक्य सुनाना चाहूँगा कि यहाँ पर गेटअप का भी बड़ा मसाइल होते हैं यहाँ पर एक बार मैं एक चैनल में चला गया गेटअप करवाने के लिए मेरा शेख साहब का गेटअप था और आपको पता कि शेख रशीद साहब सर्दियों में एक मफरल रेड मफरल वो उनकी पहचान है शेख साहब की सिगार

यूथ हाँ। है यंग जनरेशन है पाकिस्तान में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है <coughs> उनको क्या मैसेज देंगे कामयाब होने के लिए देखे, और जो उनके अंदर जो टैलेंट है वो लोग ज़ाया कर जाते हैं अपने देखें देखे, देखे टैलेंट कोई भी हो अपने सामने लेकर आए बस एक ये पैगाम है यार हाँ। जंप ना मारें ठीक ये जो होता है ना अख्तर लावा हो गया ट्रेंडिंग पार्टी हो रही है ठीक है अल्लाह तुम देखो अल्लाह पाक ने उनका सबब बनाया और अल्लाह ताला तला मजीदी तरक्की दे लेकिन इस तरह की शोहरत से मेरा दिल ये पुकारे आ जा इन चीज़ों से बचें अल्लाह का वास्तव है अल्लाह से भी दुआ किया करें कि Allah हमें जल्दी वायरल ना करे ये मैं नहीं कह रहा इरफान जुनेजो कह रहा है उनके अल्फाज थे इरफान जुनेजो साहब के कि अल्लाह से ये दुआ किया करें अल्लाह आपको कभी वायरल ना करे क्योंकि आप कुछ अरसे के लिए वायरल होते इस बार आप बैठ जाते हैं आज वो कहाँ पर वो क्या कहते हैं हुआ था एक आपको अख्तिला वायरल हुआ कितना लोगों ने ट्रेंड पर उठाया मेरा दिल ये पुकारे आ जा कहाँ पर गई ठीक है अरस चाय वाला कॉन्सेप्ट वायरल हुआ तो ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं तो ये, ये मुझे गुस्सा इस बात आता है और अफ्सा कोमल साहबा ने बड़ी खूबसूरत बात की इस हवाले से कि जो नौजवान बेचारे पढ़ के आते हैं एजुकेशन हासिल करके आते हैं मीडिया स्टडी करके आते हैं उन बेचारों के मेहनत तो में पानी फेरा जाता है यहाँ पे आते हैं बिल्कुल है, ज्यादा की जाती बहुत बड़ी अच्छा अख्ताम इख, से पहले पहले सलीम साफी साहब आपने कहा था मैं सियासत छोड़ छोड़ दूंगा अगर सच्चा न देखे बात है कि मेरा तो मकसद यही था कि खान को करना है। तो प्रोग्राम से बहुत शुक्रिया जीनाजरीन शहरोज ताइर साहब हमारे साथ मौजूद थे आपने उनकी बातें सुनी उनके साथ बड़ा अच्छा मजाक भी हुआ गुफ्तु भी बड़ा मज़ा आया उम्मीद कर तो आपको प्रोग्राम पसंद आएगा नेक्स्ट प्रोग्राम तक अपने मेजबान शराज को दीजिए इजाज़त